आज हम बात करेंगे हर्पीस डिजीज के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो हर्पीस डिजीज वायरस की वजह से होने वाला एक रोग है। कई लोग इसको बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन समझने लगते हैं या फिर कीड़े के काटने की वजह से यह यानी मिलता जुलता एक तरीके का इन्फेक्शन है। यह वायरस की वजह से होता है और यानी जो कीड़ा काटता है उसमें भी सेम उसी तरीके के फफोले होते हैं और हर्पीस डिजीज में भी वैसे ही फफोले बनते हैं स्किन के ऊपर। तो यह वायरस की वजह से होता है। तो जिस जो मरीज इस वायरस की चपेट में आएगा उसके बॉडी के किसी भी हिस्से में फफोले बनेंगे। फफोले फिर वो फूटेंगे कुछ दिन बाद, उसमें तेज दर्द होगा। यहाँ पर इसका पानी यानी जो वायरस युक्त पानी है जिसके अंदर वायरस होंगे और तो वो फैलता जाएगा जहां पर मरीज ने टच किया है उस यानी जो फफोले हैं, फिर उसने बॉडी के किसी भी हिस्से पर मुंह पे लगा लिया है तो वह बीमारी बढ़ती जाएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए फ्लूकोनाजॉल, इट्रोकोनाजॉल और भी एंटीबायोटिक है वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये वायरस की वजह से होता है। इसलिए यह रोग को ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। पर कुछ दवाएं ऐसी आती हैं आयुर्वेदिक के जरिए हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही जो होम्योपैथिक दवाई आती हैं, होम्योपैथिक में आपको महीनों दो महीने लग जाएंगे। इसलिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट सबसे बढ़िया है। इसमें मरीज 5 या 7 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाता है, बॉडी में कितना भी इन्फेक्शन हो। दिस इज माई चैलेंज। मैं जो आपको ट्रीटमेंट आज बता रहा हूँ केवल 5 दिन के अंदर बॉडी में कितना भी हर्पीज का इन्फेक्शन हो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हर्पीस को रोकने के ऊपर। तो हर्पीस को रोकने के लिए एक वाल्टोवल 1 ग्राम टेबलेट आती है। वाल्टोवल 1 ग्राम यानी 1000 mg की टेबलेट है। तो हर्पीस डिजीज 55 साल से ऊपर के जो लोग हैं तो किसी भी उम्र तक 80 तक 55 से स्टार्ट होता है और 80 तक किसी भी आयु वर्ग के लोग मेल या फीमेल किसी को भी होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है उसमें इस तरीके का इन्फेक्शन वायरस है, वायरस इस तरीके का आएगा जैसे कोई उसके फैमिली मेंबर है उसको अगर हर्पीस डिजीज है, अगर उसकी कपड़े हैं या फिर उसने टच किया है उसको, तो यह वायरस उसके अंदर आ जाता है और उसको भी प्रेग्नेंट लेडीज को हर्पीस डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर तो हमें प्रश्न ये आता है क्या हर्पीस रोग में वाल्टोवल 1 ग्राम टेबलेट को हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, इससे प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चे को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 1000 mg की हम हाफ टेबलेट 3 टाइम उसको दे सकते हैं और हर्पीस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं 5 या 7 दिन के अंदर। तो हर्पीस डिजीज को हम चुड़ैल रोग के नाम से भी जानते हैं, यानी गाँव के लोग इसको चुड़ैल रोग के नाम से जानते हैं। यह बिल्कुल कीड़े के काटने की वजह से बिल्कुल सेम उसी तरीके का यह बीमारी लगती है जैसे कोई लाइट वाला कीड़ा है अगर वो काट ले तब फफोले बनते हैं और इस रोग में भी फफोले बनते हैं, फिर वो फूटते जाते हैं। तो यह रोग सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर भी और सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर भी हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों को। तो वाल्टोवल टेबलेट आपको अगर किसी को जैसे हर्पीस डिजीज है तो वाल्टोवल टेबलेट हमको लेनी है, उसको 2 या 3 टाइम उसके यानी अगर ज्यादा वायरस की वजह से ज्यादा अगर दिक्कत है बॉडी के ज्यादा फैल गया है तो आपको 3 टाइम आपको यानी 3 टाइम आपको एट ए टाइम 3 टाइम देनी पड़ेगी, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद में। इसके साथ में अगर दर्द ज्यादा हो यानी जो मरीज है वो इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हो तो उसके बारे में अभी बताऊंगा। तो हर्पीस जो डिजीज है उसको हम हर्पीस जोस्टर और जेनिटल हर्पीस के नाम से भी जानते हैं। अगर हमने जैसे वाल्टोवल टेबलेट दी 1 ग्राम 3 टाइम या 2 टाइम खाना खाने के बाद में, अगर पेशेंट को दर्द गंभीर है तो हम जिस यानी एब्यूप्रोफेन, पैरासीटामोल, ट्रामाडोल इस तरीके की टेबलेट देंगे तो उसमें पेशेंट सोएगा नहीं, जगेगा और जो इन्फेक्टेड एरिया है उसको वो टच करेगा जिससे फैमिली के दूसरे मेंबर है उसको वो व्यूअर टच कर सकता है और इन्फेक्शन होने का यानी यह वायरस दूसरे मरीजों यानी लोगों पर संक्रमित कर सकता है और उनको हर्पीस रोग हो सकता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है उसको डाजापैम टेबलेट हम दें। डाजापैम टेबलेट देने से क्या होगा, वह बेहोश हो जाएगा यानी सो जाएगा। और यानी पहले आपने वाल्टोवल 1 ग्राम टेबलेट ली खाना खाने के बाद में, फिर हमने पेशेंट को खाना खाने के बाद में उसको सुला दिया। सुलाने से ये होगा वो अपने जो इन्फेक्टेड एरिया उसको टच नहीं करेगा और ठीक होने में जल्दी मदद मिलेगी और उसको दर्द भी नहीं होगा। तो ये इसका एक बेनिफिट है डाइजेपम टेबलेट देने का।
यह बीमारी प्रेग्नेंट लेडीज को भी हो सकती है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज को हो जाए तो प्रश्न ये उठता है, क्या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है या माँ को कोई साइड इफेक्ट इस टेबलेट के हो सकते हैं? तो इस टेबलेट के प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो हम बल्टोबल टेबलेट दे सकते हैं 1 ग्राम। आपको डाइजेपम टेबलेट प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देनी है, वल्टोबल टेबलेट आप दे सकते हैं। इससे 90% क्या 100% ही उससे रिलीफ मिल जाएगा। और बाकी के जो पेन किलर हैं वो आप जो फीमेल जो दवाइयां हैं इंग्रेडिएंट सेम होंगे उनकी दवाइयां अलग आती हैं, तो वल्टोबल टेबलेट को हम ले सकते हैं प्रेग्नेंट यानी जो लेडीज है उसको दे सकते हैं। हर्पीस डिसीज को जैसे हम चुड़ैल रोग के नाम से भी जानते हैं, यानी गाँव के लोग इसको चुड़ैल रोग भी बोलते हैं। हर्पीस को हर्पीस जोस्टर, हर्पीस लेविलिस और इस तरीके के नामों से भी जानते हैं। तो हर्पीस जो जेनेटिक हर्पीस है ये एक यौन संचारित एक संक्रमण है, वायरस की वजह से होता है, जिसमें यानी द्वारा बता रहा हूँ जेनेटिक जो हर्पीस है जो सेक्सुअल ऑर्गन है मेल या फीमेल या किसी भी आयु वर्ग के जो लोग हैं उसे हम जेनेटिक हर्पीस कहते हैं। यह गुप्तांगों को प्रभावित करता है, यानी जो सेक्सुअल ऑर्गन है उनमें यह वायरस पहुंच जाता है और वहां फफोले हो जाते हैं और उसमें दर्द होता है। यह जेनिटल हर्पीस यानी जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसके ऊपरी हिस्सों पर और इंटरनल यानी अंदरूनी हिस्सों पर भी यह इसके वायरस हो सकते हैं फफोले नुमा। अगर इलाज ना करने पर यह बढ़ता जाएगा और जो स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है, इसलिए इस रोग को हम वल्टोबल टेबलेट 1 ग्राम के जरिए हम रोक सकते हैं 5 दिन, और 7 दिन के अंदर मेरा पूरी गारंटी है कि हर्पीस डिसीज से आपको पूरी तरह जो मरीज है उसको रिलीफ मिल जाएगा। अगर दर्द ज्यादा है तो हम डाइजेपम टेबलेट दे सकते हैं, कमजोरी है तो आप ताकत की सिरप आप कोई भी दे सकते हैं जो आपको मालूम हो ब्रांडेड, आप कोई भी ताकत की सिरप दे सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट तभी होंगे जब हर्पीस बीमारी नहीं है, डिसीज नहीं है, और हम केवल फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी त्वचा से जुड़े दूसरे रोगों के लिए इस टेबलेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साइड इफेक्ट क्या होंगे, जैसे लूज मोशन, फीवर और जोड़ों में दर्द, मन में अशांति का होना, डिहाइड्रेशन, जी घबराना, उल्टी और हेडेक, चक्कर आना और थकान, इस तरीके की समस्याएं वल टू वल टेबलेट 1 ग्राम के द्वारा हो सकती हैं, तभी होंगी जब हर्पीस रोग नहीं है उस कंडीशन में।